सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया के नाम से एक ट्रेंड चलाया गया इस टाइम, तो एक ट्रेंड चल रहा है जिसको इंडिया को ट्रोल किया जा रहा है कि भाई व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया नाम का एक हैंडल ट्रेंड कर रहा था। ये जाहिर करने की कोशिश की गई कुछ मुमालिक की जानिब से कि तमाम बुरी चीजें इंडिया के अंदर हो रही है, इंडिया ने सबको मुंह तोड़ जवाब दिया और इसी में भारत के युवाओं ने पूरा गेम बदल दिया। आपको पता है इंडिया की पावर का कि जो उनको उंगली करता है वो फिर उन्हें बताते हैं कि आपने किस मुल्क को उंगली की है। What's wrong with India? Too many beautiful places to visit. तो उस पे इजराइल सपोर्ट कर रहा है इंडिया को कि भाई नहीं, इंडिया सही है, इंडिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। वो What's wrong with India? Oh my God, too many desserts. I love jalebi. वुमेन भी आजादी से बल्कि हर सेक्टर के अंदर क्या आप समझते हो वहाँ पर वुमेन सेफ नहीं है। Gullies. What's wrong with India? Too many good songs to listen to. मैं तो समझता हूँ कि Indians have proved more bold, बड़े तगड़े निकले हैं। Okay, what's wrong with India? Many delicious food options. Trying not to gain weight. Hadas, what's wrong with India? So many amazing Bollywood movies. I don't know how to finish them up. लेकिन तब इस ट्रेंड का पासा ही बदल गया जब इंडिया ने इन मुमालिक के इस ट्रेंड को इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार के फोटोज डालने लगे लोग जिसमें व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया लिखते हैं, लेकिन जो अंदर में पोस्ट जाता है वो पश्चिमी देशों का जाने लगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोग कहीं पे ड्रग एडिक्ट दिखाए जा रहे हैं, तो झूम रहे हैं नशे में। दिस ट्रेंड सून बिकेम वायरल एंड इंडियन एक्स कम्युनिटी हाईजैक्ड a negative trend and turned into a positive one. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया के नाम से एक ट्रेंड चलाया गया। ये जाहिर करने की कोशिश की गई कुछ मुमालिक की जानिब से कि तमाम बुरी चीजें इंडिया के अंदर हो रही हैं, इंडिया के लोग अनएजुकेटेड हैं और इसके अलावा भी और बहुत कुछ। लेकिन तब इस ट्रेंड का पासा ही बदल गया जब इंडिया ने इन मुमालिक के इस ट्रेंड को इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। इसी ट्रेंड पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की अवाम से और जानेंगे उनकी राय, तो आइए चलिए हमारे साथ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिसको अब एक्स कहा जाता है, उस पर जो एंटी इंडिया कंपेन चल रही है, इंडिया को डिफेम करने की जो कोशिश की जा रही है व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया के नाम से, इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जो इंडिया के खिलाफ, इंडिया कुछ नेगेटिव वीडियोस को प्रमोट कर रही हैं, ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि इंडिया में कितनी नेगेटिव हैपनिंग्स होती हैं। आपने यकीनन ये ट्रेंड देखा होगा, इस हवाले से एज अ पाकिस्तानी आपका क्या कहना है? पाकिस्तानी होने के नाते हमारा ये तो नहीं है कि अगर इंडिया के खिलाफ कुछ हो रहा है तो हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसी कंपेन्स लॉन्च करते रहते हैं। इनके अपने एक पैरामीटर्स हैं। अब देखा जाए तो यूरोप कौन सा कोई, अगर वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से देखा जाए तो कोई एक तगड़ा मुल्क, मतलब एक रीजन नहीं है। उनमें भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, उनके अपने ज़्यादा एक ट्रेंड्स हैं या एक समझ लें कि उनके पैरामीटर्स हैं जो वो अपने अंदाज से देखते हैं, और इधर हमारा रीजन बिल्कुल एक डिफरेंट है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनके अपने एक कल्चर है, इनकी अपनी रवायात हैं, तो ये अपने हिसाब से, वो अपने हिसाब से देखते हैं। सर, ये बताने की, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया जो है वो बड़ा अनएजुकेटेड कंट्रीज है, वहाँ पर जो है ख्वातीन के रेप होते हैं, ये जाहिर किया जा रहा है कि इंडिया में कितनी जो है वो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क भारत की, जो भी है दुश्मनी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रही है हर पाकिस्तानी इसको सराहता है। बेशक, और ये देखें कि इंडिया में तो मसाइल हैं, हाँ, पाकिस्तान में भी हैं, हाँ, और ये है कि हाईलाइट होने की बात है। अब अमेरिका में सबसे ज़्यादा क्राइम्स होते हैं लेकिन उधर रिपोर्ट नहीं होते, और इंडिया में अगर कोई क्राइम्स हैं, अगर वुमेन का रेप हो रहा है या कोई ऐसे इश्यूज चल रहे हैं तो उनको ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है, तो फिर उसका हवा बनाकर पेश किया जाता है। हालांकि इतने मसाइल नहीं है जितने दिखाए जाते हैं, हमारी मीडिया ही है जो एक प्रोपेगेंडा मशीन का काम करती है। और सर देखिए, हम सबको ये पता है कि इंडिया का एजुकेशन का मियार कहाँ है, उनके आप आईटी सेक्टर देख लें, आईटी सेक्टर उनका बूम है, मतलब मेजर कंपनीज जो यूएस में है या मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में है, उनके हेड तक उधर से हैं, और इंडिया का स्पेस प्रोग्राम उनकी हेड तक एक फीमेल थी। मतलब ये कहना कि उन उधर औरतों को निचले दर्जे
पर समझा जाता है या एजुकेशन के उधर मसाइल है, तो मतलब ये एक इलॉजिकल बात है। सर मजे की बात तो ये है कि इंडिया ने यूरोपियन कंट्रीज की जो कंपेन थी वो इन्हीं के पर उल्टी डाल दी है। जैसे उन्होंने भी एक कंपेन शुरू कर दी, जो इंडियंस थे और कुछ ममालिक जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं उन्होंने भी कंपेन शुरू कर दी व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, और जो कंट्रीज इंडिया के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रही थी उन मुल्कों में होने वाली नेगेटिव हैपनिंग्स उन्होंने वीडियोस जो है शेयर कर, फिर आपको पता है इंडिया की पावर का कि जो उनको उंगली करता है वो फिर उन्हें बताते हैं कि आपने किस मुल्क को उंगली की है। हाँ तो ऐसा होना चाहिए ना, अगर वो प्रोपोगंडा कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए। उनके पास एक टूल है, एक उनका मीडिया को वो मैनेज करते हैं, तो इंडिया के पास अपनी एक मैन पावर है, उनकी इतनी बड़ी उनकी पॉपुलेशन ही उनकी सबसे बड़ी एक पावर है, तो उसको वो यूज करके वो अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। सर इंडिया की डेवलपमेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, वो लोग जो एंटी इंडिया कंपेन चला रहे हैं व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया के नाम से, एज अ पाकिस्तानी आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे तो ख्याल है कि हर मुल्क को अपने अपने तक ही रहना चाहिए। हाँ। दूसरे ममालिक में जो मदाखलत पाकिस्तान में भी होती है, जारी सी बात है। तो हमारे जो हमसाए मुल्क के भारत में ये जो ट्रेंड चल रहा है इस पर एज अ पाकिस्तानी आपका क्या कहना है? देखें यहाँ तो ये ना हमारे सोशल मीडियाज़ में हर चीज़ को ऐसे उठाया जाता है जैसे वही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क हुआ है, वही सबसे बुरी चीज़ हुई है। पर्सनली मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं दुबई में पैदा हुआ हूँ, तो मेरे दोस्त लोग हैं जिनसे आज भी मैं अटैच हूँ, मैं उनकी ही बात करूँगा जो चीज़ मेरे पास है, जिसका मुझे नॉलेज है। ये चीज़ तो हर जगह पर है, इसमें अनएजुकेटेड पर्सन तो हर कंट्री में है, फॉरन में चले जाएँ आप, AKS में चले जाएँ, अबूजबी में चले जाएँ, या पाकिस्तान में आ जाए, इंडिया में चले जाएँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरा मुल्क ही ख़राब है, ऐसा नहीं है। कुछ दूरियां हैं हम मुल्कों के बीच में जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से दूर हैं, वरना और कुछ है नहीं ऐसा। आपने बताया कि आपके बहुत सारे दोस्त इंडियन हैं, तो आपने जब उनसे बातचीत होती है तो आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं? मैं सच बोलूं कि आज तक मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि दे आर फार फ्रॉम मी, बस आई वाज हियर फ्रॉम 8 ईयर्स, तो मेरे साथ ही अटैच है और आज तक हम भाइयों से बढ़ के हैं जब से साथ हैं, एंड स्टिल वी आर टुगेदर। ट्विटर पर जो इंडिया के हवाले से वीडियो शाया की जा रही है विद द कैप्शन ऑफ व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, ये बताने की, जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैपनिंग्स हो रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपके बहुत सारे इंडियन दोस्त भी हैं, तो आपको क्या लगता है वाकई में इंडिया में इतना नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं? मैम ये है ना, देखें अगर हम लोग ये फेस देखें तो नेगेटिविटी, वही मेरी बात पहले वाली आ जाती है कि हर जगह है, पर ये चीज़ नहीं है कि राइट वे वहाँ सब कुछ ऐसा ही, क्योंकि वहाँ मेरे दोस्त मैरिड हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनकी सिस्टर्स हैं, उनकी मदर्स हैं, वो लोग तो सब ओके हैं, अच्छी प्लेस में, एक अच्छी जगह पर, तो आई डोंट थिंक सो कि ये बिल्कुल राइट है। तो आपको बाजू का, मैं अब ट्रेन में जा रहा था, इंडिया का और पाकिस्तान का ना, सच पाकिस्तान हार गया था, इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, तो सब लोग कह रहे थे यार इंडिया हार जाएगा, इंडिया पता नहीं यार, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि बट है यार क्यों है ये, तो कोई बात नहीं है। थोड़ा मीम भी हुई थी कि हम अपने आप को जिताने के लिए काफिर को, काफिर को अपने इंडिया को हराने के लिए हम काफिर के लिए दुआएं कर रहे थे कि या अल्लाह वो जीत जाए, वो जीत जाए और इंडिया हार जाए, मतलब इतना प्रोसेस है, नफरत रखी है। अपना रिलीजन देखो, हमारे रिलीजन में तो काफिरों को भी दुआएं, सबको दुआ, हमारे रिलीजन में तो बदुआ है ही नहीं, इस तरह का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कॉन्सेप्ट यही चल रहा है इंडिया से दुश्मनी के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह विल बी फाइन, चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो हिंदू शुरू से बड़े चलाक रहे, इन्हें खत्री भी कहा जाता है, ठीक है, इन्होंने मतलब क्या होता है खतरनाक, बहुत चंडावा, बहुत चलाक, तो इस तरह के ये लोग हैं और मुसलमानों के साथ ये जुल्म ही करते आए हमेशा से, कश्मीर में देख लें अभी तक जुल्म हो रहा है, 70-80 साल हो गए अभी तक जुल्म हो रहा है, तो इन्हें मतलब खुदा ही सज़ा देगा, मैं तो ये समझता हूँ। अगर कश्मीर की बात करें तो आपने देख रहे कश्मीर के अंदर तलीम आ गई, रेलवे निज़ाम आ गया, एयरलाइन आ गई, जहाज़ आ गया, फिर उसके बाद मेट्रो आ गई, फिर उसके बाद कारपोरेटेड रोड आ गए, हर सहूलत वहाँ पर, जॉब्स आ गई, कश्मीर को और क्या चाहिए।